आज कुकर में वो रेसिपी लाई हूँ जो ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है। जी हाँ, वो है सोन पापड़ी। कैसे बनती है आखिर? बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही आसान तरीका लाई हूँ आपके लिए। अब इसे अकेली ही बना सकते हैं और घर वालों को सरप्राइज भी कर सकते हैं। सिर्फ कुछ खास ट्रिक का इस्तेमाल करके आप हलवाई जैसा हजारों लेयर्स वाला सोन पापड़ी बना सकते हैं। इतनी अच्छी बनेगी कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये हमने बनाई है। इसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। तो बिना स्किप किए रेसिपी को पूरा देखें और गाइडलाइंस को फॉलो करते जाएं और आप भी बना पाएंगे मजेदार सोन पापड़ी बिल्कुल बाहर जैसा। आप सबको आसान रेसिपी सिखाना मेरा मिशन है, तो सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले एक पैन में 1 टेबलस्पून देसी घी डालें। जब घी मेल्ट हो जाए उसमें 1/2 कप बेसन शामिल करें, फिर 1/2 कप मैदा डालें। हल्की आंच पर 10 मिनट तक भूनें या जब तक इसमें से अच्छी तरीके से अरोमा ना आ जाए। अभी तैयार हो चुका है तो इसे साइड में रख देंगे। अब एक पैन में 1 कप चीनी डालें, 1/4 कप पानी शामिल करें और इसे पकाएं जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए। अब चीनी मेल्ट हो चुका है तो इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। अब हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक ये कैरेमल ना बन जाए। कैरेमल कुछ इस तरह का बनना चाहिए और इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा कैरेमल ठंडे पानी में डालेंगे तो ये एक हार्ड बॉल बन जाता है। तो कैरेमल अब तैयार है। अब तवा को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसमें कैरेमल शामिल करें। याद रखिए कि ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना है। अब स्पैचुला से गरम कैरेमल को इस तरीके से सर्कल शेप दें। ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना होगा क्योंकि कैरेमल ठंडा होते ही सख्त हो जाता है। जब ये हाथ से टच करने के काबिल हो जाए तो उसे उठा लें और इस तरीके से स्ट्रेच करते जाएं जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमें इसे स्ट्रेच करना है और बड़े ही ध्यान से कहीं कैरेमल खींचने पर टूट ना जाए। आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ये लाइट गोल्डन हो चुका है। अब इसे हमें इस तरीके से रिंग की शेप दे देना है। अब इसमें शामिल करेंगे फ्लोर मिक्सचर जो हमने तैयार किया था। इसे अच्छे से कोट करें ताकि कैरेमल की जो लेयर्स है वो आपस में ना चिपके। अब हमें इस तरह से गोल शेप देके बड़े ही एहतियात के साथ खींचना है क्योंकि अगर ये टूट गया तो ज़ाया हो जाएगा। तो इसे ज़्यादा लंबा नहीं करिएगा और जितना स्ट्रेच हो सके उतना स्ट्रेच करिएगा। इसे हल्का हल्का स्ट्रेच करते हुए घुमाते रहें जब तक ये धागे की तरह पतला और लच्छेदार ना हो जाए। याद रखें कि इसे जेंटली हैंडल करना ताकि ये टूट ना जाए। अगर ये प्रोसेस मुश्किल लग रहा है तो पहले इसे 8 नंबर की तरह फोल्ड करें, फिर दोनों एंड्स को मिलाकर गोल शक्ल बना लें। जब ये धागे की तरह हो जाए तो इस तरह से झाड़ दें ताकि जायद मैदा इससे अलग हो जाए। अब एक पैन में कुछ मेवा जार डालकर पतीसा शामिल करें और फाइनली हमारा मज़ेदार पतीसा तैयार है। मिठास से भरा सोन पापड़ी तैयार है और बिल्कुल हलवाई जैसा लग रहा है, मज़ा ही आ गया। अब आप बताइए, किसने सोचा था कि इतनी मज़ेदार मिठाई घर पर भी बनाई जा सकती है? अगर आपने भी ट्राई किया है या करने का इरादा है तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए और मिठाई का मिठास सबके साथ बांटें। और अगर आपने एंजॉय किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपके लिए लाएंगे और भी नए और मज़ेदार रेसिपी। तब तक के मिठाई का मज़ा लीजिए और खुश रहिए।